फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड मिसर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह नींबू का पेड़ है, नींबू का सिट्रस फैमिली का। ये सभी बच्चे जा रहे हैं, सामने ब्यूटी बांदा का है एडमिन ब्लॉक। ये देखो, ये सब नींबू फरे हुए हैं, नींबू नींबू फरे हुए हैं सभी। वैरायटी इतनी है, जगह कम है, लेकिन फरे नींबू बहुत है। सामने अमरुद का प्लांटेशन किया गया है। ये सब स्टूडेंट हैं जो कि देखने आए। ये बांदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लगे हुए हैं, कीपर काम करने वाला, सब लगे पानी फिल्टर करने के लिए, सब मशीन लगे हुए हैं पानी फिल्टर करने के लिए। यहाँ से आरओ का पानी फिल्टर होता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है BU-80 का, और ये यहाँ पर ये बायोगैस का वो बनाया जा रहा है, सिस्टम पूरा बना हुआ है, इसमें चैम्बर बने हुए हैं। ये चैम्बर है इसका, उसी मशीन का, जो इसमें चेक किया जाता है कि कितना लेवल नीचे भरा हुआ है उसके हिसाब से। और इधर देख सकते हो आप, जैसा कि ये रूम है कंट्रोलर, यहाँ से सब चीज़ कंट्रोल की जाती है। मशीनरी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सब देखी जाती है यहाँ से। ये BU-80 का 5 नंबर तालाब है, आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा और गहरा भी है। आगे जाने में वैसे भी मुझे तो लग रहा है डर, इसीलिए हम जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का ये जो पुलिया है, ये वाटर लेवल के लिए, अगर बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो वो इसमें स्टोर हो सकता है, और बाद में यही पानी खेतों के लिए भी सप्लाई करने में सुविधा होती है। उधर आप देख सकते हैं, उधर पाइप भी पड़े हुए हैं, ये पानी जाता है और ये ड्रिप विधि द्वारा सारे पेड़ों तक दिया जाता है। ये जो नींबू के पीछे खेती लग रही है, नींबू के पीछे नींबू के पौधे लग रहे हैं, यही इनमें पाइप बिछे हुए हैं जो ड्रिप विधि के लिए यूज करे जाते हैं। और दिखाते हैं, आइए हम आपको वो चल के दिखाते हैं ड्रिप विधि का। हम यहाँ पहुँच चुके हैं नींबू की खेती में, और आप देख सकते हो ये पाइप बिछे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें नोजल लगे हुए हैं। आओ जरा नोजल दिखाओ उनको। ये बहुत स्लो ड्रिप, मतलब ड्रिप कर रखा है इन्होंने। देखो आप देख सकते हो, ये ड्रिप चल रही है। जूम करके दिखाओ, अच्छा दिखाओ, बैठ के दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई चल रही है। आप उधर देख सकते हो, पूरे खेत में ये ड्रिप इरीगेशन मेथड बिछा दी गई है, इससे पानी की बचत होती है और समय का बचत, और इसमें नमी बनी रहती है पौधों के पास, जैसा कि पौधों को नमी चाहिए हर समय, वो भी इससे पूरी हो सकती है। आप देख सभी देख सकते हो, हम नींबू के बाग से निकल के अब अनार के बाग में आ चुके हैं। यहाँ पर भी ड्रिप इरीगेशन ही मेथड लगाई गई है, और आप देख सकते हो यहाँ पर अनार के फूल भी आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक छोटे छोटे अनार भी आ चुके हैं, जो अभी मतलब अभी आ रहे हैं। आप देख सकते हो, ये देखो ढोल का वैरायटी, अभी इनका रिप्रोडक्शन चल रहा है, इससे पहले ये अनार टूटे जा चुके हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, टूटे जा चुके हैं, इनका 3 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये अनार मतलब